मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल से छूटने के बाद 7 साल के बच्चे को आपसी रंजिश के चलते बिल्डिंग की छत पर बने पानी के टंकी में फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्चे की माँ और हत्यारा दोनों दोस्त थे। यह घटना कल्याण के पश्चिम में सुंदर रेजिडेंसी इमारत में घटी है। बच्चे का नाम प्रणव भोसले है और इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर नितिन कांबले नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इमारत के पानी की टंकी में बच्चे का शव मिला है, नितिन उसी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। कविता भोसले नाम की एक महिला अपने 7 साल के बेटे प्रणव भोसले के साथ कल्याण खड़कपाड़ा थाने क्षेत्र में रहती थी। महिला की नितिन कांबले से दोस्ती थी, जो बिल्डिंग के बी विंग में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनके बीच विवाद चल रहा था और इसी बीच कल दोपहर के वक्त नितिन 7 साल के प्रणव को उसकी स्कूल से अपने साथ ले गया। वह प्रणव को सीधे गौरीपाड़ा इलाके में सुंदर रेसिडेंसी इमारत की छत पर ले गया, जहां उसने प्रणव को इमारत की पानी की टंकी में फेंक दिया और वह वहां से चला गया। टंकी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है। बच्चे की हत्या को छुपाने के लिए उसने कविता से 50,000 रुपये लेने और बार बार मांग करने के बावजूद पैसे नहीं लौटाने की बात लेकर कल्याण खड़कपाड़ा थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गया था और महिला से प्रताड़ित होकर जहर की गोलियां खाने की और फेसबुक पर एक सुसाइड नोट लिखकर वायरल कर आत्महत्या करने की भी बात कही। इसी बीच अपने बेटे को स्कूल से घर नहीं लौटने पर घबराई माँ ने स्कूल में पूछताछ की। जब कहीं बेटा नहीं मिला तो माँ तुरंत पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन तब तक माँ को पता चल चुका था कि उसके बेटे को नितिन कांबले ने अपहरण कर लिया है। नितिन कांबले को पहले से ही पुलिस थाने में बिठाकर रखा गया था। पुलिस ने नितिन को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और पुलिस इस हत्या के असली कारणों का और खुलासा करने की कोशिश में लगी है।